हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हमारा पहला वीडियो आ चुका है, जिसमें हम रक्त वाहिनी तंत्र और उससे पहले जो है रक्त के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर हम रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो मैंने बताया था इसकी जो खोज की है वो बिलियन हर्वे ने की है। और रक्त परिसंचरण तंत्र में हम मेनली तीन चीज़ को पढ़ते हैं, जिसमें आपका एक आता है आपका हृदय, ठीक है, दूसरा आता है आपका रक्त वाहिनी वाहिनियाँ और तीसरा जो आता है वो आता है आपका रक्त, ठीक। इतनी बात के लिए, इतने हम कल के वीडियो में बता चुकी थी मैं आपको कि हमें रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ने के लिए तीन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपका एक आता है आपका हार्ट, दूसरा आता है आपके ब्लड वेसल्स, तीसरी आती है आपके ब्लड। हम इसमें ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले के जो लेक्चर है उसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, कल का जो लेक्चर था उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हम जो पढ़ रहे थे यहाँ पे, हम पढ़ रहे थे क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, ठीक है। परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है, ये सब कल के लेक्चर में हो चुका है। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हार्ट, तो हम हार्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है। हार्ट के बारे में थोड़ा सा कल बता चुकी थी, दोबारा से वहीं से शुरुआत करते हैं। अगर हम हृदय या हार्ट की बात करते हैं तो मैंने सबसे पहले बताया था इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है ना। आप इस तरह से समझिए, जब क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या है जो ट्रोफोब्लास्ट स्टेज होती है, उसमें तीन लेयर होती है और उन तीन लेयर से क्या हमारा पूरा बॉडी बना होता है। हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग अंग हैं, उन तीनों लेयर से बना होता है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं आपके एक्टोडर्म, और जो सबसे अंदर वाली है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है, डर्म। और जो ये बीच वाली लेयर बन जाती है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा डॉटेड बना देती हूँ, जो ये अंदर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं मेजोडर्म। क्या कहते हैं? मेजोडर्म। इतनी बात क्लियर है। और हमारी जो बॉडी है, कुछ ऑर्गन जो है इस एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो एंडोडर्म से बनते हैं, कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो कि मेजोडर्म से। तो जो हमारा हार्ट है वो भी क्या है? मेजोडर्म से बना हुआ है। तो हार्ट की अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये कैसे बना है? मेजोडर्म से बना है, ठीक है, यानी कि मेजोडर्म से बना हुआ है, ठीक है। यानी इसकी उत्पत्ति कैसी हुई? मेजोडर्म से हुई है। हार्ट का जो लगभग वेट होता है वो 300 ग्राम के आसपास होता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा क्या है, बाई और क्या है, झुका हुआ है, झुका हुआ है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, बताऊंगी आगे। और ये स्थित कहाँ पे होते हैं, इसकी जो पोजिशन है वो कहाँ पे होते हैं? दोनों जो हमारे दोनों फेफड़े हैं उनके बीच में होती है, दोनों फेफड़ों के बीच में। इतनी बात है, ये लगभग सबको पता होगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कई लोगों को ना हो, और ये इम्पोर्टेंट भी है। अगर हम पेपर के लिहाज से देखें तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हार्ट की ओरिजिन है वो कैसी है, या हार्ट की उत्पत्ति कैसी हुई है, तो कैसे, कौन से लेयर से हुई है? मेजोडर्म से हुई है। इतनी बात हो गई। अब तब मैं कल के उसमें भी बता चुकी थी, अब थोड़ा सा आगे हार्ट की बात करें। अब हार्ट में देखते हैं क्या क्या ऑर्गन हैं, हार्ट में कुछ पार्ट्स होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। समझने के लिए आपको बता देती हूँ, हार्ट को कुछ इस तरह से समझ लीजिए। ये आपका हार्ट हो गई, ठीक है, ये आपका अलिंद हो गया, ये आपका दूसरा अलिंद हो गया, ये आपके निलय हो गए। इतनी बात ठीक है। हार्ट जो होता है, हार्ट के बाद एक और कवरिंग होती है इस तरह से, कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे। इस साइड से मैंने क्या थोड़ा ज्यादा गैप लिया है, इस तरह से कम लिया। तो हार्ट के बाहर जो ये कवरिंग होती है, ये क्या होता है? अगर आपको ये अपनी लेफ्ट साइड लें और ये राइट साइड लें, तो इसका जो लेफ्ट साइड है यानी कि जो बाईं तरफ है, उस साइड का क्या होता है, जो लेयर होती है वो थोड़ा मोटी होती है कंपेरिजन टू उसकी राइट साइड। राइट साइड की जो लेयर होती है वो क्या है,
थोड़ा पतली होती है और लेफ्ट साइड की मोटी होती है, इसलिए हमें क्या लगता है कि जो हमारा हार्ट है वो क्या थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ, जबकि बाईं ओर झुका नहीं होता है, बीच में होता है। लेकिन इसलिए की वजह से क्योंकि लेफ्ट साइड की जो भार की कवरिंग है वो थोड़ा मोटी हो जाती है, इस तरह से हमें, इसलिए हमें वो ऐसा लगता है। अब जो ये इसकी भार वाली लेयर है इसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है, या इसके बोलते हैं हिंदी में बोलते हृदय आवरण कहा गया। मैं ये बोलूंगी कि आप हिंदी इंग्लिश में दोनों टर्म से आती है, क्योंकि पेपर में वो हृदय आवरण देने के चांसेस बहुत कम है, वो पेरिकार्डियम ही देगा, बेशक वो हिंदी में लिख के दे देगा, आपको दे देगा पेरिकार्डियम, इस तरह से लिख के दे देगा, ठीक है, हिंदी में हृदय आवरण बोलते हैं। इसके अंदर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, और इन दोनों के बीच में भी एक लेयर होती है, मैं डॉटर बना देती हूँ ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए, इन दोनों के बीच में भी एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मीजोकार्डियम, मीजोकार्डियम। इतनी बात क्लियर होगी। तो हार्ट में कितनी लेयर होगी, तीन लेयर होगी, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो क्या है, पेरिकार्डियम है, उसके सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम और बीच वाली मीजोकार्डियम। इसमें जो पूछा जाता है, अगर लेयर से क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा चांसेस होता है कि आपको पेरिकार्डियम पूछता है, किससे पूछेगा, इस तरह से पूछेगा कि हृदय की भारी आवरण या हृदय जिस बैग में होता है उसे क्या कहते हैं, हृदय के भारी आवरण को क्या कहते हैं या हृदय की कवरिंग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। ये जो पेरिकार्डियम है और ये मीजोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है, मीजोकार्डियम, यहाँ पे एक फ्लूड भरा होता है, जहाँ पे ये क्या है आपकी मीजोकार्डियम है, यहाँ पे एक फ्लूड भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं हृदय आवरण दर, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, हृदय आवरण द्रव, ठीक है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य जो है वो ये है कि जो ये बीच में हार्ड है, ये भार की तो क्या कवरिंग है इसकी, मेन हृदय कौन है आपका, ये बीच वाला, इसको बचाना है बाहरी शॉक से, अगर कोई चोट लग जाती है बाय चांस तो ये जो दर्द है उस पूरी चोट को, उस पूरे शॉक को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर देता है और उसका इफेक्ट, उसका जो प्रभाव है वो हमारे हार्ड तक ना पहुंचे, तो इसलिए कि ये फ्लूड बना हुआ था और जो भी चोट लगता है उसका जो भी दर्द है जो भी शॉक है वो पूरा अब्सॉर्ब कर देता है और उसके अंदर इस हार्ट तक नहीं पहुंचने देता। तो ये किसका काम है, आपका हृदय आवरण का काम है। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें देखते हैं अलिंद निलय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी, ये बताया था कि जो शुद्ध रक्त होता है वो किस साइड होता है, अशुद्ध रक्त किस साइड होता है, रिकॉल कर पा रहे, ये हो गया, ये आपके जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर होते हैं, एक दो, और यहां से एक और सेप्टा होता है जो दोनों अलिंद को क्या करता है, अलग करता है, इस तरह से ये पूरी यहाँ पे क्या फाइबर से भरा हुआ होता है, ठीक है। आपके जो ये ऊपर वाले भाग है ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, वही जो आपका राइट साइड है वो अनप्योर ब्लड होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जो राइट साइड है उसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ये जो होगा ये हो गया आपका लेफ्ट अलिंद, अलिंद ये हो गया आपका राइट अलिंद, इसको जो है आरटीएल कहा जाता है इंग्लिश में। ये हो गया आपका निलय, ये नीचे वाले भाग क्या हो गया, निलय, निलय, इसको जो है निलय है इसको आपका वेंट्रिकल कहा जाता है, वेंट्रिकल, ठीक है। ये हो गए चार चैम्बर, हो गए दो अलिंद हो गए नीचे के, दो निलय अलिंद जो होते हैं निलय के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटे होते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब दोनों अलिंद को क्या है, अलग किया जा रहा है, बीच में एक लेयर है, इस जो लेयर है जो दोनों अलिंद को क्या करती है, अलग कर रही है, इस ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं अंतर, यानी दोनों में अंतर कर रही है, अंतर किसके बीच में, अलिंद के बीच में, तो अलिंद अंतर अलिंद पट, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंटर आर्टिकुलर, इंटर आर्टिकल सेप्टा, ठीक है। इंटर आर्टिकुलर सेप्टा क्या करता है, दोनों अलिंद को सेपरेट करता है, ठीक है, यानी दोनों अलिंद के बीच में पाया जाता है। इसी तरह वेंट्रिकल में आ जाए, वेंट्रिकल में जो दोनों
वेंट्रिकल या दोनों निलय को सेपरेट कर रहा है इसको हम कहते हैं, जैसे अंतर अलिन था ये हो जाएगा अंतर निलय पट, और सेम इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टा सेप्टा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए जो ये इंटर वेंट्रिकल सेप्टा है ये जो है मोटी पेशी भित्ति का बना होता है, मोटी पेशी भित्ति का बना होता है या मोटी पेशियों का बना होता है, भित्तियों का बना होता है, ठीक है। यह ये कह लो कि मोटी पेशियों का बना हुआ होता है, जबकि जो आपका अलिंद होता है वो पतली मांसपेशियों का बना होता है, पतली मांसपेशियों का बना हुआ होता है। इतनी बात के लिए क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो वेंट्रिकल है इंटरवेंट्रिकल सेप्टा है या अंतर निलय पट है वो तो क्या मोटी पेशी भित्ति का बना हुआ, लेकिन वही जो अलिंद है अंतर अलिंद पट है या इंटर आर्टिकल सेप्टा है वो क्या है पतली मांसपेशियों का बना हुआ है। इसका रीजन ये है कि जो जब ब्लड आता है, कल जब मैं पाथ पढ़ा रही थी ब्लड सर्कुलेशन का, तो होता क्या है ये वेंट्रिकल से अलिंद से निलय में क्या आता है आपका ब्लड आता है, अलिंद से निलय में ब्लड अगर पंप करना है तो बहुत कम दूरी तक पंप करना है, अगर कम दूरी तक पंप करना है तो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर पतले मांसपेशी भी तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना, उसके फटने का डर नहीं है, उसको ज्यादा ताकत नहीं लगाना है। वही वेंट्रिकल से क्या होता है हमें पूरे शरीर में ब्लड को क्या करना होता है पंप करना होता है, पूरा शरीर वेंट्रिकल से पूरे शरीर के मतलब कितने दूर बहुत दूर तक पंप करना होता है, बहुत दूर तक पंप करेंगे तो उसे ज्यादा फोर्स लगाना होगा, ज्यादा फोर्स लगाना है तो अब अगर क्या होंगी पतली मांसपेशियां होंगी तो क्या होंगी मांसपेशी डैमेज होने का खतरा है, हेमरेज होने का खतरा है, फटने का खतरा रहेगा। तो यही रीजन होता है कि वेंट्रिकल में क्या होती है मांसपेशियां जो होती है जो इंटर नीले पट होता है वो क्या होता है मोटा होता है, और जो अलिंद का सेप्टा होता है जो दोनों को सेपरेट करता है वो क्या होता है पतला होता है। इतनी बात क्लियर होगी, ये हो गया। अब क्या बचता ये जो अलिंद है ये नीले है ये दोनों भी क्या है आपस में एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे इसको कहेंगे ये ऊपर क्या है अलिंद है नीचे क्या है नीले है, तो इसको हम कहेंगे ये जो लेयर है इसे कहेंगे अलिंद और नीचे वाला क्या है नीले अलिंद नीले और ये क्या है पट है, तो इसे कहेंगे पट, या इसको ए बी सेप्टा कहा जाता है, ए बी यानी आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा कहा जाता है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा अलिंद और निलय को सेपरेट करने वाली लेयर कौन सी है, ए बी सेप्टा, दोनों साइड ए बी सेप्टा, दोनों निलय दोनों अलिंद को सेपरेट करने वाली कौन सी लेयर है तो इंटर आर्टिकुलर सेप्टा, दोनों निलय को सेपरेट करने वाली जो भित्ति है उसे क्या कहेंगे अंतर निलय पट कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो ये तो हो गई कि जो चार चैम्बर है उन चारों को अलग करने वाली लेयर कौन सी है उन चारों का नाम क्या है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें और जान लेते हैं, अब जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आने वाले जो पेपर में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, तो हार्ट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हार्ट की बात करें तो यहाँ क्या होता है जैसे मैंने बताया था ऊपर अलिंद है और नीचे क्या है आपके नीले है, ठीक है। इतनी बात किरण है, जो ये अलिंद है अलिंद के जो ये ऊपरी छोर है यहाँ पे एक क्या है विशेष प्रकार की कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं आपका इस तरह से, जिसको हम कहते हैं एस ए नोड, ठीक है। कहाँ पे जो ये अलिंद है अलिंद जो ये क्या है ये आपका राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड जो राइट साइड का अलिंद है इसके ऊपरी छोर पे क्या है कोशिकाओं का एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसके हम क्या कहते हैं एस ए नोड कहते हैं। अगर हम एस ए नोड की बात करें तो एस ए नोड क्या है एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह का बना हुआ है जिन्हें हम कहते हैं पेस मेकर कोशिकाओं का बना हुआ है या इसी को हम कहते हैं पेसमेकर या इसी को हम कहते हैं नोडल उत्तकों का बना हुआ है, किसका नोडल उत्तक का बना हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ऐसे नोड
कैसी कोशिकाओं का बना हुआ? तो अगर पेसमेकर कोशिका है तो पेसमेकर, पेसमेकर नहीं है तो नोडल टिश्यू है या सेल्स है तो नोडल आएगा। कहाँ होता है आपका जो राइट एलेंथ होता है उसके ऊपरी छोर पर होते हैं, कहाँ पर, जहाँ पे क्या होता है आपका महाधमनी और एलेंथ का जंक्शन होता है उस पॉइंट पे होता है। ठीक है, ये कैसे हो गया? इसका अगर हम बात करें इसके कार्य की, इसका कार्य क्या है, ये क्या काम करता है, तो ये क्या करता है, ये एक प्रकार की एक प्रकार इम्पल्सन क्या जनरेट करता है, क्या करता है, इम्पल्सन जनरेट, इम्पल्सन इम्पल्सन क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, यानी कि क्रिया विभव उत्पन्न करता है, क्रिया विभव को उत्पन्न करता है। इस तरह से समझ लीजिए कि इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, जो क्या करते हैं उसके बाद, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई, क्रिया विभव उत्पन्न हुआ, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, इस पूरे अलिंद में फैल जाती, फिर इन दोनों अलिंद में जाके क्या होती है, ये क्रिया विभव जो होते फैल जाती है। ठीक है, इस क्रिया विभव का, इस जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है इसके जनरेट होने से क्या होता है, जो ये पूरा अलिंद है, ये अलिंद क्या हो जाता है, अलिंद जो है वो क्या प्रंकुच हो जाता है, या इसका क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होने लग जाता है। जो ये अलिंद है, अलिंद में क्या होने लग जाता है, कॉन्ट्रेक्शन होने लग, अलिंद में क्या होने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, इसी को आपका संकुचन प्राकुंचन सब इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब अलिंद में प्राकुंचन हो जाएगा तो क्या, प्राकुंचन होने या कॉन्ट्रेक्शन होने का मतलब क्या है, इसमें प्रेशर पड़ेगा या इसमें ये क्या हो जाएगा, बंद होने लगेगा। बंद होगा तो क्या होगा, इसका जो ब्लड है, इसके अंदर समय जो ब्लड है, दोनों अलिंद में जो ब्लड है वो नीचे वेंट्रिकल में या आपके नीले में आना लग जाएगा। ठीक है, ऐसे नोड क्या होता है, इसे किसी भी बाहर से क्या होती है, इम्पल्सर की जरूरत नहीं है, बाहर से किसी मैसेज की जरूरत, हमारे पूरी बॉडी को कौन करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे ब्रेन इम्पल्सन देगा, जैसे ब्रेन मैसेज भेजेगा, वैसे हमारी बॉडी काम करती है, करेक्ट। लेकिन हार्ट के केस में ऐसा नहीं है, जो हार्ट है, जो हमारा हृदय है, उसका जो पूरा कॉन्ट्रेक्शन है वो ऐसे नोड के पास होता है। ऐसे नोड हमारी बॉडी की जरूरत के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस पूरे हार्ट को क्या करता है, कह सकते हैं प्रेरित करता है, प्रेरित करता है, यानी कि उसमें क्या कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करता है, यानी कि ब्लड पंप करता है, ब्लड को रिसीव करता है। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो ब्लड जो हमारे कॉन्ट्रेक्शन रेट है वो बढ़ जाता है, यानी ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड के साथ क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड कंप्लीट होती है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जो हमारा हार्ट है ना, इसको किसी दूसरे डिवाइस के या दूसरे ऑर्गन या ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, अपने रेगुलेशन कर सकता है, अपने काम कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हार्ट होता है वो क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, स्व उत्तेजित होता है, उसे उत्तेजित करने के लिए किसी भारी उत्तेजन की या भारी उद्दीपन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो करने का काम कौन करता है, जो SA नोड डिवाइस है ये करने का काम करती है, इसलिए इसको जो है स्व, अरे अरे पन्नी नहीं चल रहा, इसे जो है स्व उत्तेजनशील कहा जाता है, स्व उत्तेजनशील कहा जाता है। ठीक है, या इसको क्या कहेंगे, ऑटो एक्साइटेबल। तो ये कई बार पूछा जाता है कि जो हार्ट है, हार्ट में ऑटो एक्साइटेबल क्या है, तो क्या होता है, ऐसे नोड होता है, ये खुद क्या है, जनरेट करता है इम्पल्स, वो पूरी हार्ट में उसके बाद फैल जाते हैं और हार्ट जो हमारा फंक्शन करते हैं। इसीलिए इसको ऐसे नोड जो है पेसमेकर कोशिकाओं का बना होता है, इसी को एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है प्राकृतिक पेसमेकर। क्या कहा जाता है, पेसमेकर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि पेसमेकर किसे कहा जाता है या प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाएगा, दोनों सेम चीज है, किसे कहा जाएगा, ऐसे नोड को कहा जाएगा। ये जो 2017 में जो LT का हुआ था उसमें आता, और बहुत सारे जो जनरल साइंस जहाँ पूछा जाता है वहाँ बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये तो आपको याद रखना ही है कि मतलब पेसमेकर किसे कहा जाता है, ऐसे नोड कहा जाता है, प्रकृति मतलब अपने आप ही हमारे अंदर ये है, तो इसलिए प्रकृति के बाद बात करें तो यहाँ पे जब ये पूरा ऐसे नोड के बारे में हो गया, जब ऐसे नोड से जो इम्पल्सन है या क्रिया विभव है पूरे अलिंद में पहुंच जाता है, अलिंद में पहुंचने के बाद अलिंद में क्या संकुचन या कॉन्ट्रेक्शन हो चुका है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक और उत्तक पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं, एक और डिवाइस पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं AB नोड। अच्छा, ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है, SA
नोड जो है इसको हम कहते हैं, ऐसे नोड को जो कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका साइनो आरटीएल नोड, ठीक है। वैसी ए भी नोड को कहा जाता है, ए भी पानी नहीं चल रहा जी वाला, जो ए भी नोड है इसको आपको कहा जाता है आरटीएल वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। आरटीएल वेंट्रिकुलर क्यों, जो आर्टरी है, आर्टरी मतलब आपकी अलिंद है, और जो नीले है उसके जंक्शन पे होता है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर इसका नाम दे दिया गया आरटीएल वेंट्रिकुलर नोड का नाम दे दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए भी नोड है, ये भी क्या होते हैं, ये भी पेस मेकर सेल्स का ही बना हुआ होता है। ये करता क्या है, इसके काम की बात करें तो अलिंद में पूरा जनरेट हो चुके थे आपके इम्पल्सन, क्रिया विभव हो चुका था। अब ये जो पूरा अलिंद है ना, इससे जितना भी इम्पल्सन था उसको अपने पास ले लेता है, पूरा अलिंद का, दोनों अलिंद का जो क्रिया विभव था उसे अपने पास ले लेगा, और थोड़े टाइम के लिए क्या होल्ड करके, थोड़ा टाइम के लिए उसे रोक के रखता है अपने पास। अब रोक के रखने का रीजन क्या है, जो रोक के रखने का रीजन ये है ना, जो हार्ट, जो आपका अलिंद है, अलिंद से क्या होता है, नीले में यहाँ पे क्या होगा, ब्लड पंप होता है, दोनों अलिंद से दोनों नीले में ब्लड जाता है। इतनी बात क्लियर है। जब ये ब्लड को, इसमें इम्पल्सन होगा, इसमें क्या होगा, कंट्रेक्शन होगा, कंट्रेक्शन होगा तो ये ब्लड को क्या करेगा, पुश करेगा नीचे अलिंद में, तो ये थोड़े टाइम के पूरे ब्लड को क्या हो रहा है, नीचे पुश कर सके, यानी कि जो अलिंद है उसमें पूरा ब्लड क्या इकट्ठा हो सके, ब्लड भर सके, तो इसलिए क्या थोड़े टाइम के लिए ये इम्पल्सन को क्या करता है, अपने पास होल्ड करके रखता है, ठीक है। ए बी का जो होगा ये हो गया, उसके बाद जो ए बी, जो ये अलिंद और नीले हैं, इन दोनों के जंक्शन से निकलती हैं और दोनों अलिंद को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो है एक विशेष, यहाँ पे क्या होती हैं, कोशिकाएं होते हैं, यहाँ पे कुछ फाइबर्स होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें पूरे में ये जो होता है, इसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस कहा जाता है हिंदी में, बंडल ऑफ हिस हिंदी में लिख के दे देंगे, बंडल ऑफ हिस ही कहते हैं, या फिर ये लिखा होगा हिस का गुच्छा लिखा होगा, जनरली मुझे बुक में बंडल ऑफ हिस ही मिलता है, ठीक है। ये बंडल ऑफ हिस में जो ये फाइबर्स हैं, उसके बाद क्या होता है, ये जो होता है ये आपके लेफ्ट नीले में और यहाँ से क्या है राइट नीले की ओर जो ये फाइबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये फाइबर यहाँ से ऐसे होके क्या हो जाते हैं, डिवाइड होने लग जाते हैं, इस तरह से ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब ऊपर से ये पूरा जो अलिंद और नीले के जंक्शन से जनरेट हुए थे, पैदा हुए थे, और पूरे नीले तक, नीचे टिप तक जब ये आए, तो इसको पूरे को बंडल ऑफ हिस कहा गया। जैसे ही ये लेफ्ट अलिंद और लेफ्ट नीले और लेफ्ट राइट नीले में डिवाइड होते हैं, तो इसको हम जो कहते हैं, इसको हम तब कहते हैं पुरकंजे तंतु या पुरकंज लिखा होता कहीं, तंतु या पुरकंजे फाइबर कहा जाता है, ठीक है। अब इनका काम क्या है ये देख लीजिए। अब वापस आइए अपने किस में, ए बी नोड में आए। ए बी नोड ने क्या करा था, अलिंद से पूरा जो इम्पल्सन था वो इकट्ठा करा था। अब ये इम्पल्सन क्या होता है, ये जो बंडल ऑफ हिस है इसको क्या कहते हैं, देना शुरू करता है। इसने यहाँ से जो जनरेट इम्पल्सन था उसको बंडल ऑफ हिस को दिया, बंडल ऑफ हिस के थ्रू ये जो इम्पल्सन था ये आगे बढ़ा, इस तरह से आगे बढ़ा, एंड टिप पे आया। एंड टिप के बाद जो ये इम्पल्सन था आपके लेफ्ट नीले में और यहाँ से जो है राइट नीले की ओर चला गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इम्पल्सन जो है पूरे नीले में क्या हो गया, फैल गया है। जैसे ही इम्पल्सन पूरे नीले में फैलता है तो ये जो है, जो नीले है, ये भी क्या प्रेरित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। तो जैसे ही ये प्रेरित या एक्साइटेड होता है तो इसमें भी क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, मतलब ये पिचक जाता है। नॉर्मल भाषा में समझे तो ये पिचक जाता है। जैसे ही ये पिचकेगा यानी कि इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन हुआ, इसमें क्या प्रेशर पड़े तो ये ब्लड जो है यहाँ से बाहर चला जाता है। यहाँ पे क्या होती है आपकी महाधमनी होती है लेफ्ट साइड। तो जैसे ही अलिंद में कॉन्ट्रेक्शन शुरू हुआ तो जो ब्लड है महाशिरा के थ्रू आपके पूरी बॉडी में, महाधमनी के थ्रू पूरी बॉडी शरीर में जाता है, शरीर की जरूरतों को पूरी करने के लिए। इतनी बात के लिए। तो इस तरह से जो हमारा पूरा हार्ट का जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो इस तरह से पाथ मैंने पहले बता दी कहाँ से होता है, शुरुआत कैसे होती है, वो ऐसे नोड से होती है। इसलिए ऐसे नोड को क्या है, ऑटो एक्साइटेबल या स्व उत्तेजनशील कहते हैं, प्राकृतिक
पेसमेकर या सिंपल पेसमेकर कहा जा सकता है। इसमें से जो आने वाले क्वेश्चन है ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से पूछा जा सकता है। अगर इसमें से पूछा गया तो ये दोनों पूछा गया है, ये पूरी प्रोसेस है कैसे कैसे ये जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे जो हो गया ये हो गया हमारा हार्ट के बारे में, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। अच्छा थोड़ा सा और ध्यान आ रहा हूँ बताती हूँ। जो एस ए नोड है इसके कार्य आपको पता चल गया क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन शुरू करना, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन शुरू करना या रिदमिक क्या बोलेंगे इसे, मतलब एक क्रिया विभव को प्रारंभ करना, संकुचन को प्रारंभ करना, उसको कंटिन्यू क्या करना, बनाए कि रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन को प्रारंभ करना, जिसे हम क्रिया विभव को प्रारंभ करना ये कह सकते हैं, क्रिया विभव प्रारंभ करना, कॉन्ट्रेक्शन को प्रारंभ करना, और ये प्रारंभ करके उसको लगातार बनाए रखना। ये नहीं कि एक बार प्रारंभ कर रहे फिर रेस्ट करो, जितने देर में अगर हार्ट रेस्ट करने लगे उतनी देर में क्या डेथ हो जाएगी। तो एक बार जो शुरू हो गया तो ये क्या है, कंटिन्यू बने रहना। वो ये है कि एक मिनट में जो है ना हमारा हार्ट जो है कितनी बार कॉन्ट्रेक्शन और कितनी बार रिलैक्सेशन करता है, यानी कितनी बार उसमें संकुचन होता है, कितनी बार वो ब्लड को पंप करता है, कितनी बार रेस्ट करता है। तो एक मिनट में जो है जनरली 72 से 75 बार क्या करता है, ब्लड में जो है कॉन्ट्रेक्शन होता है, ब्लड से हार्ट से जो ब्लड पंप होता है रिसीव होता है, ठीक है, 70 से 75 बार होता है, जिसे हम औसतन लगभग जो है 72 बार गिनते हैं, ठीक है। इतनी बार के एक मिनट में कितनी बार होता है, लगभग जो है 70 जो औसतन है वो 72 बार होता है, जनरली कुछ में 70 से 75 तक होता है, ठीक है, औसत निकालते तो 72 आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट है ना, जो हमारी क्या है हार्ट बीट है वो क्या है 72 पर मिनट है। वो हार्ट बीट जो यही है कि हमारा हार्ट जो है कितनी बार क्या है ब्लड को पंप कर रहा है, कितनी बार रिसीव कर रहा है, ठीक है। इतनी बार क्लियर होगी। जब हमारा हार्ट एक बार क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन करता है एक बार में, तो एक बार में कितना ब्लड पंप करता है, तो हमारा हार्ट जो है एक बार में लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है, ठीक है। 70 ml ब्लड पंप करे एक बार में, 70 ml पंप करा, कितनी बार कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो अगर हम एक मिनट की बात करें तो एक मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा, तो एक मिनट में जो है एक बार में 70 करता है, एक बार में जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो 72 बार होता है, इसको इंटू करोगे तब लगभग ये 50-40 आता है, 50-40 के ml, जिसको जो लगभग हम इसको गिने तो लगभग जो है 5 लीटर तक हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है उसमें जो ब्लड है वो कितना है, 5 लीटर है, या क्या लिखते हैं 5000 ml है, ठीक है। इसीलिए कितना ब्लड का मतलब ये नहीं हमारे पूरे शरीर में, हम जो काउंट करते हैं वो करते हैं कि हमारा जो हार्ट है एक बार में पूरे शरीर को कितना ब्लड दे पर है, और जितना हार्ट देगा उतना ही पूरी बॉडी में ब्लड होगा। तो इसीलिए जो निकाला जाता है कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 5 लीटर। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी होती है उसमें 450 ml होती है, ठीक है। और लेकिन उसके जो हार्ट बीट होती है, जो हार्ट रेट होती है वो लगभग 120 से 140 के आसपास होती है। इतनी बात क्लियर है। अगर हम रक्त परिसंचरण तंत्र को समाप्त करने की बात करें, किसको, रक्त परिसंचरण, अगर हम पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या है समाप्त करने की कोशिश करें, तो ऐसे समझिए हमारा हृदय है, हमारा हृदय है, हृदय की उत्पत्ति कैसे हुई है, मेजोड्रम से हुई है। हृदय की उत्पत्ति किससे बताई थी, जो ड्रम से हुई है। और हृदय में क्या है, कितने भागों में बताएं, 2 साइड बटा हुआ है, एक तो आपका राइट साइड हो जाता है, दूसरा आपका लेफ्ट साइड हो जाता है, ठीक है। राइट साइड में क्या आएगा, आपका राइट अलिंद आएगा, यही है अलिंद आएगा, और अलिंद लेफ्ट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट अलिंद आ जाएगा। लेफ्ट अलिंद से आपका ब्लड जो है आपका लेफ्ट, अगर राइट अलिंद है तो राइट अलिंद से जो आपका ब्लड है वो राइट नीले में जाएगा, ये अलिंद से नीले में जाएगा। और यहाँ पे जो राइट साइड होता है यहाँ पे क्या होता है, किसके थ्रू जाते हैं, यानी कि अलिंद और नीले को आपस में कौन जोड़ता है, अलिंद से नीले में जो ब्लड जाता है किसके थ्रू जाता है, दोनों सेम चीज। तो क्या है, ट्राई
कस्पाइड, ठीक है। और वही अलिन से राइट लेफ्ट, अलिन से लेफ्ट नीले में ब्लड जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, बाय कस्पाइड। इतनी बात होगी। अब जो है नीले से ब्लड जो है आपके कहाँ जाएगा, शरीर में जाएगा, पूरे ये राइट नीले लेफ्ट नीले से जो ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा, आपका शरीर में जाएगा। और जो राइट नीले है उससे जो ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। लेफ्ट नीले से जो शरीर में ब्लड जाएगा उसके किसके थ्रू आएगा, वो जाएगा आपका महा धमनी के थ्रू। वैसे ही जो राइट नीले है वहां से फेफड़ों में जो ब्लड जाता था उस किससे थ्रू जाता, फुफ्फुस, फुस जा रहा है तो किसके थ्रू जाएगा, धमनी के थ्रू। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये हो गया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद शरीर से जो ब्लड फिर सर्कुलेट होगा कहाँ आएगा, शरीर से जो ब्लड वापस आता है वो कहाँ आता है, आपका राइट अलिंद में आता है। और ब्लड शरीर से ब्लड को हार्ट में लाने का काम कौन करता है, सिरा करती है। और जो लास्ट में जो सिरा बच जाती है उसे कहते हैं महासिरा, यानी कौन लाता है, महासिरा। फेफड़े से जो आता है ये आता है आपके अलिंद में आता है। फेफड़ों से अलिंद में लाने का काम कौन करता है, सिरा करती है। और जो फेफड़े से लेके आ रही है, सिरा करती है और फेफड़े से लेके आ रही है तो फेफड़े को क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका फुस भी है, तो फुसफुस सिरा जो है आपके फेफड़े में लेके आती है। तो ये हो गया आपका समअप हो गया, मतलब किस तरह से जो हमारा हार्ट हो काम कर रहा है, किस तरह से जो हमारा रेगुलेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अब अगर आप इम्पल्सन की बात करें तो इम्पल्सन कैसे आ रहा है उसके समअप की बात करें तो अभी देख लेते हैं। अगर हम क्या लिखे से इम्पल्सन पाथ, ये ठीक रहेगा हाड़ी। चलो कैसे हुआ, एस ए नोड में क्रिया विभव पैदा हुआ, क्रिया विभव उत्पन्न हुआ, ठीक है। एस ए नोड में क्रिया विभव उत्पन्न हुआ, उसके बाद क्या गया, ये दोनों अलिंद में जाने से क्या हुआ दोनों अलिंद क्या हो गए आपके प्रेरित हो गए। और इसके प्रेरित होने से क्या है, दोनों अलिंद में क्या हो गया, कॉन्ट्रेक्शन हो गया, या इसको क्या कहेंगे, संकुचन कहेंगे। तो ये क्या हो गया, अलिंद संकुचन, या इसी को प्रांकुचन, या इसी को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रेक्शन कहा जाए। इंग्लिश में एक ही नाम है कॉन्ट्रेक्शन, हिंदी में आपका प्रकुंचन संकुचन बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, अलिंद में जैसे ही क्या होगा, संकुचन हो गया, ब्लड कहाँ जाएगा, वेंटिकल में जाएगा, नीले में जाएगा। होता क्या है, बिना संकुचन के भी 70% ब्लड जो है बिना संकुचन के, बिना स्वतः लिख देती हूँ है ना, स्वतः प्रभावित हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है कहाँ, अलिंद से नीले में, ठीक है। इतनी बात करिए। लेकिन जैसे ही नीले में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो जो ब्लड पंप की रेट है वो 30% क्या हो जाती है, बढ़ जाती। जैसे ही क्या होगा, संकुचन होगा, तो 30% जो रक्त पंप होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन किसी पेपर में पूछा भी गया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसमें, लेकिन पूछा गया है कि जब अलिंद में संकुचन होता है तो रक्त प्रवाह की दर में क्या क्या चेंजेस आता है, तो रक्त प्रवाह जो है 30% क्या होता है, बढ़ जाता है। इतनी बात होगी। अब देखो वापिस आओ नीले में, अलिंद संकुचन हुआ, अलिंद संकुचन से जो है एबी नोड में आपका इम्पल्सन जाता है, एबी नोड से आपके किस में गया, बंडल ऑफ इस में गया, एबी नोड से किस में जाता है, एबी नोड से आपके बंडल ऑफ हिस में गया, बंडल ऑफ हिस्से आपके किस में आया, पुरकिंजे फाइबर में,
पुरकंजे, कहीं पुरकंजे कहीं पुरकंज भी लिखा रहता है, ठीक है। पुरकंजे तंतु में गया, पुरकंजे तंतु के बाद कहाँ गया, आपके नीले में। पुरकंजे तंतु में जाने के बाद क्या है, दोनों नीले क्या हो जाते हैं, दोनों नीले प्रेरित हो जाते हैं, रित हो जाते हैं। दोनों नीले में प्रेरित होने से क्या होता है, नीले में क्या होता है, नीले में संकुचन कॉन्ट्रेक्शन या नीले में दाब बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है, या इसी को प्रांकुचन कहा जाता है, प्रकुंचन कहा जाता है, या इसी को कॉन्ट्रेक्शन कहा जाता है, कॉन्ट्रेक्शन कहा जाता है। नीले में जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन होगा तो होगा क्या, दो चीज़ें होंगी। जैसे नीले में कॉन्ट्रेक्शन होता है, मैंने हार्ट का बताया था, जैसे यहाँ पे हार्ट है, ये अलिंद और नीले है, तो यहाँ पे क्या होता है, ट्राइकस्पाइड होता है, यहाँ पे क्या होता है, बाइकस्पाइड है। इसे हिंदी में त्रिवलय और इसको द्विवलय भी कहा जाता है, ठीक है। ये नीले हो गया, तो जैसे ही इसने पंप करना शुरू करिए, पंप करता है, तो ये जो ट्राइकस्पाइड और बाइकस्पाइड है ये बंद हो जाते हैं। तो होता क्या है, हिंदी में लिख जाए त्रिवलय वलय व द्विवलय, द्विवलय हिंदी में ये है। आपको मोस्टली हिंदी में लिखा मिलेगा ट्राइकस्पाइड और इसको क्या बोलेंगे, बाइकस्पाइड। कस्पाइड ये जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते। बंद होने का कारण क्या है, ताकि जो ब्लड है ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना हो जाए, अलिंद में ना चले जाए। और साथ में जब यहाँ से महा धमनी में जाता है या यहाँ से फुफ्फुस धमनी में जाता है, तो वहाँ फुफ्फुस धमनी में जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो सेमी लूमन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो यानी कि दूसरा क्या होता है, सेमी लूनर या सेमी लूनर वल्व, या इसी को क्या कहेंगे, अर्ध चंद्रिका, चंद्रिका पट्टिका, ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों खुल जाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों खुल जाएंगे तो क्या होगी, फिर से दो चीज़ें होंगी, अगर या तो फेफड़ों में ब्लड पंप होगा, यह क्या होगा, शरीर में क्या हो जाता है, ब्लड पंप हो जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे रक्त परिसंचरण तंत्र। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका कार्डिक साइकिल से, और उसी में ईसीजी को भी कवर कर दिया जाएगा, ठीक है।